व्यूअर्स, दिस इज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद व्लॉग्स। आज मैं आपको रिव्यू करवाऊंगा एक 4 सीटर सोफ़ा सेट का, न्यूली इंडक्ट किया है अभी। लास्ट टाइम भी हमारे पास पहले आ चुका है, लेकिन बहुत ही जल्द ये शॉर्ट हो जाता है, तो ये दोबारा इंडक्ट किया है अभी। ये आप देख लें, 4 सीटर सोफ़ा सेट है विद राउंड टेबल है, बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है ये। इसकी जो टेबल है तकरीबन 32 इंच राउंड टेबल है इसका, और इसके ऊपर अभी ग्लास आएगा, 8 mm का ग्लास होगा, और ये 2 सिंगल सीट्स है इसके साथ, और एक इसके साथ 2 सीटर है। बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में है। अगर मैं इसका रतन आपको करीब से दिखा दूं तो बहुत ही स्टाइलिश और खूबसूरत रतन है इसका, उसी तरह का PVC क्वालिटी का है। अंदर आयरन फ्रेम यूज़ हुआ है, पाउडर कोटेड इसका फ्रेम है, और आउटडोर के लिए परफेक्ट है ये। आप अपने टेरेस में लगा सकते हैं, अगर आउटडोर आपका सेंटर टेरेस है घर में तो वहाँ ये बहुत ही डिसेंट लुक देगा आपकी। या कोई गजीबो बना हुआ आपका तो गजीबो के बीच में भी आप इसे इंडक्ट कर सकते हैं अपने। इसकी जो सीट होती है वो 2 इंच में आती है, क्योंकि इसका जो कम्फर्ट लेवल है उसको सबसे पहले हमने रखना होता है। अगर हम 4 इंच किसके ऊपर लगा देंगे तो इसका कंफर्ट बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। 2 इंच किसके ऊपर सीट यूज़ होती है, बैक पे बैक पिलो आ जाता है। ये अभी 4 सीटर लगा हुआ है, अगर किसी को सीट्स ज़्यादा भी चाहिए हो, जैसे 2 सीटर की जगह वो कहता है मुझे 3 सीटर चाहिए, और सिंगल सीट्स भी ज़्यादा चाहिए हो तो वो भी मिल जाएंगी। टेबल का स्टाइल अगर आप डिफरेंट बनवाना चाहते हैं, चेंज करवाना चाहते हैं तो चेंज भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर वैसे यही चलता है जो इसके साथ कंपनी दे रही है। कंपनी ने बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है इस वक्त, तो इसी कॉम्बिनेशन के साथ लें, ज़्यादा चीज़ खूबसूरत लगेगी, क्योंकि राउंड टेबल ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके साथ। अगर आप स्क्वायर शेप में बनवाएंगे तो वो लुक डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि आपका सोफ़ा जो है ना वो लुक ही राउंड की दे रहा है। और ये इम्पोर्टेड रतन है जिसके ऊपर यूज़ हुआ हुआ है, मलेशियन रतन इसको हम कहते हैं। इसमें चाइना वाला भी आता है, लोकल भी बन रहा है और इम्पोर्टेड भी। आजकल वैसे इम्पोर्ट बंद हो चुकी है, लेकिन ये हमने पहले इम्पोर्ट कर लिया था रतन। अभी जो इसकी प्राइजेस हैं वही हमारी पुरानी प्राइजेस अभी भी चल रही हैं, उम्मीद है कि अभी जल्दी इंक्रीज़ नहीं होंगी, 2-4 दिन अभी हैं इसमें, तो हो सकता है इंक्रीज़ हो भी जाए, क्योंकि इम्पोर्ट अभी तक दोबारा ओपन नहीं हो सकी। हमें यही उम्मीद थी कि प्राइसेस हम ना इंक्रीज़ करें, क्या पता हो सकता है इम्पोर्ट दोबारा ओपन हो जाए, लेकिन अभी तक इम्पोर्ट ओपन नहीं हुई। अगर ओपन हो जाती है तो प्राइसेस वही पुरानी वाली रहेंगी, अगर नहीं ओपन होती तो फिर हो सकता है कि इनके जो रेट्स हैं वो ऊपर चले जाएँ। अभी इस वक्त ये स्टफ़ जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी क्वालिटी के इस वक्त पाकिस्तान में जो स्टफ़ है वो हम लोग बना रहे हैं, और जिस तरह की पाकिस्तान में गर्मी पड़ती है तो वो इसी तरह का स्टफ जो होता है वो गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है। अगर आप लोकल लेते हैं वो बिल्कुल ही प्लास्टिक हार्ड हो गया, आपको ब्रेक होने लग जाता है, तो कोशिश करें एक दफ़ा लें, अच्छी चीज़ लें ताकि थोड़ा टाइम अच्छा निकाल जाए। तो इस वक्त जो इसकी प्राइस है डिस्काउंट में लगा हुआ है 90,000 का आपको मिल जाएगा, और ये 90,000 प्राइस तब तक है जब तक प्राइस इंक्रीज़ नहीं होती। अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो ज़ाहिर बात है फिर उसी प्राइस पर मिलेगा। अभी तो 3-4 दिन मुझे लगता है कि प्राइस इंक्रीज़ नहीं होगी, देखते हैं लेट्स सी इंपोर्ट ओपन होती है या नहीं होती। तो आज की वीडियो ये थी, या आपको एक नया सोफ़ा सेट हमने दिखाना था तो ये हो गया है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो बनाएंगे आपके लिए, एक नया आर्टिकल लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह नेकी बहाना।